हेलो फ्रेंड्स, हमर किचन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स गोभी भाजी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अभी बहुत ताज़ी ताज़ी गोभी मिल रही है बाज़ार में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गोभी की भाजी ली थी। इसे अच्छे से तीन चार पानी धो लिया है, उसके बाद हमने इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसे कैसे बना के तैयार करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस पे कुकर चढ़ा लिया है। अब हम जो भाजी लिए थे उसे इसमें डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे छोटा ग्लास मैंने एक ग्लास पानी लिया है, उसे भी डाल लेंगे। मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गैस ऑन कर लेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें हम दो से तीन सीटी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर में हमारी दो से तीन सीटी आ गई है। अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली और इसमें दो छोटा चम्मच तेल डाल लिया है। तेल को थोड़ी देर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पाँच से छः कली लहसुन है, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे। इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीन मिर्ची है, इसे मैंने थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी डाल लेंगे। इसे भी थोड़ी देर हम ऐसे ही भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटे साइज का प्याज है, इसे बारीक काट लिए हैं। इसे भी डाल लेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। प्याज को हम थोड़ा लाल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज अच्छी तरह से लाल हो गया है। अब हमने दो टमाटर लिया है बड़े साइज का, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसे भी डाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हम इसमें थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक और डाल लेंगे, क्योंकि हमने जब गोभी भाजी को उबाला था तो उसमें भी हम थोड़ा नमक डाल लिए थे। अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं टमाटर पक गया है क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारा थोड़ा सा और पकेगा। हम इसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे फोड़ लेंगे टमाटर को। हम इसे दो से तीन मिनट और पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पाँच मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारा अच्छी तरह से पक गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम भाजी लिए थे उसे इसमें डाल लेंगे।
इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। चलिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं सब्जी को। ये देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से तेल भी छोड़ दिया है इसमें। हम इसे खुले में ऐसे ही 2 मिनट और पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हमने पका लिया है इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी भाजी हमारी बनके तैयार हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे सर्व कर लेते हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी भाजी हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।